दिस इज द एग्जाम्पल. वी हैव टू इंसर्ट दीज की एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी आरबी ट्री. नाउ हाउ वी विल इंसर्ट? फर्स्ट इज 4, सो वी विल इंसर्ट 4. एंड वी नो वेन एवर वी इंसर्ट एनी नोड, दैट नोड इज रेड इन कलर. एंड आफ्टर इंसर्टिंग दिस नोड, बिकॉज दिस इज द रूट नोड एंड वी नो रूट नोड आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर, सो वी कलर इट ब्लैक. नाउ नेक्स्ट इंसर्ट 7, सो वी विल इंसर्ट 7. Insert 7. So this is black, and whenever we insert any node, that node is red in color. No property violation because parent is black. Now next we have to insert 12. So 12 will come here, and whenever we insert any node, that is red in color. So when both are red, what we will see? पेरेंट क्या कर रहा है? अपने बच्चे को डांट रहा है. दोनों रेड कलर के, उस केस में हम क्या करते हैं? अंकल का कलर चेक करते हैं. अंकल हम चेक करते हैं कि वो अपने ताऊ जी के सामने पिट रहा है, ताऊ जी के पीछे पिट रहा है. अंकल एक नील नोड है, तो अंकल ब्लैक कलर के हैं. अंकल ब्लैक है और फिर वो क्या कर रहा है? ताऊ जी के पीछे पिट रहा है. इन लाइन ट्राइंगल नहीं बन रहा. उस केस में ताऊ जी क्या करेंगे? ग्रैंड पेरेंट को इन्फॉर्म करेंगे. जब ताऊ जी ग्रैंड पेरेंट को इन्फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? ग्रैंड पेरेंट का दिमाग घूम जाएगा, इतना मार रहा है वो. तो ग्रैंड पेरेंट जब घूमेंगे, ग्रैंड पेरेंट अपोजिट डायरेक्शन में घूमते थे, दिस इज राइट चाइल्ड, तो ग्रैंड पेरेंट अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएंगे. जब ग्रैंड पेरेंट अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या होगा? 7 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा. और ग्रैंड पेरेंट अपोजिट डायरेक्शन में घूमने के बाद खुद तो उनका गुस्सा, वो क्या करेंगे? 7 को क्या कर देंगे? शांत. वो उसे शांत करेंगे कि शांत हो जाओ, ठीक है? तो वो शांत कर देंगे, ये रेड ही रहेगा. उसे शांत करते करते खुद कैसे हो जाएंगे? रेड हो जाएंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 15. नाउ इंसर्ट 15. हमने 15 को इंसर्ट किया. जब 15 को इंसर्ट किया तो अगेन न्यू नोड जो भी इंसर्ट करते हैं वो रेड, और ये भी कैसी है? रेड. जब दोनों रेड हैं, उस केस में हम क्या करते हैं? अंकल के कलर को चेक करते हैं कि जो ताऊजी हैं वो रेड है या ब्लैक है. ताऊजी रेड है, और जब ताऊजी भी रेड होते हैं उस केस में हम क्या करते हैं? सिर्फ रिकलरिंग करते हैं. रिकलरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ब्लैक और ये रेड. और फाइनली हमें पता है रूट नोड कैसी होती है? ब्लैक. तो फिर से हम इसे क्या कर देंगे? ब्लैक कर देंगे. तो फाइनली वी हैव 7, 4, 12 and 15. It is black and it is red. Now after 15 we have to insert 3. So we have to insert 3. It is a smaller, so it will come here. 3, which is red in color. Parent is black, so no violation. After 3 we have to insert 5. So smaller and greater. So we'll insert 5 over here, which is red in color. Parent is black, so no property violation. After 5 we have to insert 14. सो 12 ग्रेटर है इधर आएगा, स्मॉलर है इधर आ जाएगा. हमने क्या करा? 14 को इंसर्ट किया. आफ्टर इंसर्टिंग 14 इट इज रेड. सो दिस इज ऑल्सो रेड इन कलर एंड पेरेंट इज ऑल्सो रेड इन कलर. इन दैट केस वॉट वी हैव टू सी? वी हैव टू चेक द कलर ऑफ अंकल. सो अंकल कैसे है? नील नोड है, दैट मीन्स अंकल कैसे हैं? ब्लैक हैं. और वो क्या कर रहा है? ट्राइंगल बन रहा है, अंकल के सामने पिट रहा है, राइट? लेट्स मेक अंकल. ये आपके अंकल बन गए और ये क्या बन रहा है? तीनों के बीच में ट्राइंगल बन रहा है. तो जब कि क्या करता है? पेरेंट ऑफ जेड अपने बेटे को अंकल के सामने डांट रहा है, उस केस में अंकल क्या करते हैं? अंकल अपने भाई को एक घुमा के लगाते हैं और भाई घूम जाता है. जब भाई घूमेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट चाइल्ड है तो राइट में घूमेगा. व्हेन इट रोटेट्स व्हाट विल हैपन? दिस 4, 3 and 5 विल कम एज इट इज. यहाँ क्या होगा? 12 जब ये घूमेगा तो 14 ऊपर और 15 नीचे. 14 यहाँ आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा. लेकिन क्या होता है? कलर इसमें चेंज नहीं होता, प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती. तो ये दोनों रेड कलर के ही रहेंगे. 12 इज ब्लैक, 7 इज ब्लैक, दिस इज ब्लैक, दे बोथ आर रेड. अगेन प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती बिकॉज केस 2 के बाद हमें केस 3 अप्लाई करना ही करना होता है. अगेन व्हाट वी विल चेक? अब अगर आप चेक करोगे तो अभी भी क्या कर रहा है? वो दोनों रेड कलर के हैं. उस केस में अगेन हम क्या करेंगे? अंकल का कलर चेक करेंगे कि ताऊजी हमारे कैसे हैं. ताऊजी नील नोड है, ताऊजी ब्लैक कलर के. लेकिन अब क्या हो रहा है? ये जो पेरेंट है अपने बेटे को कमरे में ले जाकर पीट रहा है, इसके सामने नहीं है, लाइन बन रही है. तो ताऊ जी क्या करेंगे? अपने पेरेंट को बताते हैं. तो ग्रैंड पेरेंट का ये सुनकर दिमाग घूम जाता है, तो क्या करेंगे? ग्रैंड पेरेंट घूम जाएंगे. ग्रैंड पेरेंट अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे. तो जब ग्रैंड पेरेंट घूम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7, 4, 3 and 5 ये ऐसे रहेगा. जब ग्रैंड पेरेंट घूमे तो 14 ऊपर आ गया, 12 नीचे एंड इट इज़ 15. और ग्रैंड पेरेंट घूमने के बाद अपने बेटे को जब शांत करेंगे तो ये तो ब्लैक हो जाएगा, और उसे शांत करते करते खुद कैसे हो जाएंगे?
रेड हो जाएंगे, राइट. सो दिस इज ब्लैक, ब्लैक, रेड एंड रेड. सो हेयर नो प्रॉपर्टी वायलेशन इज देयर, राइट. नाउ आफ्टर 14 वी हैव टू इंसर्ट 18. नाउ 18 इट विल कम हेयर, सो वी विल इंसर्ट 18. 18 इज रेड इन कलर एंड दिस इज ऑल्सो रेड इन कलर. जब ये दोनों ही रेड है उस केस में अगेन हम क्या करते हैं, अंकल के कलर को चेक करते हैं. अंकल इज ऑल्सो रेड. वैन अंकल इज ऑल्सो रेड तो ग्रैंड पेरेंट क्या करेगा, अपने दोनों बच्चों को शांत करता है, उसे ब्लैक कर देता है और खुद कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है. ओके, सिंपल. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 16. टू इंसर्ट 16 इट विल कम हेयर. विल इंसर्ट 16. 16 इंसर्ट किया विच इज रेड इन कलर. अगेन दोनों रेड कलर के हैं. अंकल के कलर को चेक करेंगे. अंकल क्या है, एक नील नोड है विच विल बी ब्लैक इन कलर. अंकल ब्लैक है. अंकल ब्लैक है और ये क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है. दैट मीन्स वो अंकल के सामने पिट रहा है. जब अंकल के सामने पिट रहा है तो अंकल क्या करते हैं, अपने भाई को एक घुमाकर लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भाई घूम जाता है. जब अपोजिट डायरेक्शन में भाई घूमेगा तो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस सेवन, दिस सब ट्री विल रिमेन एज इट इज. नाउ हेयर व्हाट विल हैपन, 14, 12 और ये जब घूमा तो क्या हुआ, 18 नीचे 16 ऊपर, तो इट इज 15, इट इज 16 एंड इट इज 18. नाउ वील पुट द कलर्स. दिस इज ब्लैक, 14 इज रेड, 12 इज ब्लैक एंड हेयर 15 इज ब्लैक, 18 इज रेड एंड 16 इज रेड, राइट. ये आपकी रेड नोट्स हैं. अगेन प्रॉपर्टी इज स्टिल नॉट फिक्स्ड बिकॉज इसके बाद हमें केस 3 अप्लाई करना ही करना होता है. अगेन जब ये दोनों रेड हम क्या करते हैं, अंकल के कलर को चेक करेंगे. अंकल इज ब्लैक इन कलर. जब अंकल ब्लैक है दैट मीन्स वो एक लाइन बन रही है, सामने नहीं पीट रहा, तो अंकल क्या करते हैं, ग्रैंड पेरेंट को इन्फॉर्म करते हैं. ग्रैंड पेरेंट को ये सुनकर गुस्सा आता है. ग्रैंड पेरेंट क्या होते हैं, घूम जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. जब ग्रैंड पेरेंट घूम गए तो क्या हुआ, 7, दिस लेफ्ट ट्री विल रिमेन एज इट इज हेयर, 14, 12, जब ग्रैंड पेरेंट घूमे तो 16 ऊपर आ गया, 15 नीचे चला गया, 18 यहाँ है. और ग्रैंड पेरेंट घूमने के बाद वो अपने बच्चे को शांत करेंगे तो 16 को तो उसने क्या कर दिया, ब्लैक और खुद गुस्सा हो गए, राइट. दिस इज द केस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फाइनली वी हैव टू इंसर्ट 17. नाउ वी हैव टू इंसर्ट 17. 17 विल कम हेयर. सो व्हेन वी इंसर्ट 17 हेयर, 17 वी विल इंसर्ट विच इज रेड इन कलर, राइट. 17 इज रेड इन कलर. अगेन दे बोथ आर रेड एंड अंकल इज ऑल्सो रेड. इन दैट केस वी जस्ट रीकलर देम, तो इट इज ब्लैक. It is black and it will get red. But when it will get red, again we will check. Here is 14, which is also red in color. So when 14 is red in color, so again what we will see, they both are red in color. We will see the color of uncle. Here uncle is black. So when uncle is black, what we have to do? We have to build this tree. Let's make this node that is 4, which is black in color. So when uncle is black, what we have to do? And this child is not crying in front of uncle. So what we will do, this uncle will inform its grandparent. And what this grandparent will do, grandparent jab ye sunta hai to grandparent ghum jata hai. Jab grandparent ghumega, now what we have to do, grandparent ghum gaya, let's consider this tree also. When jab grandparent ghuma to ye 14 upar aa gaya, 7 niche chala gaya, 4 as it is niche chala gaya. 14 ऊपर गया तो 16 यहाँ आ गया, राइट. 16 का जो ये वाला ट्री है 15, 18 एंड 17, ये एज इट इज़ आपका यहीं पर रहा. लेकिन जो 14 का लेफ्ट था, 14 का लेफ्ट 7 का राइट बन जाएगा, राइट. सो हेयर इट विल कम 12, राइट. और ग्रैंड पेरेंट घूमने के बाद क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट खुद तो रेड हो जाएगा और अपने बेटे को क्या कर देगा, वो ब्लैक कर देगा, राइट. सो 16 विल रिमेन रेड, 15 विल ब्लैक, 18 इज ब्लैक, 17 इज रेड एंड हेयर 7 इज नाउ ऑफ रेड कलर एंड व्हाट अबाउट दिस 4 इज ऑफ ब्लैक कलर, 12 इज ऑफ ब्लैक कलर एंड हेयर अगेन 3 एंड 5 विच आर अगेन रेड इन कलर, राइट. सो दिस इज आवर फाइनल ट्री.